वेलकम वेलकम टू द चैनल। 6 मंथ का है प्रीवियस, 6 मंथ का करंट अफेयर है आपका पूरा। इसमें लगभग पूरे कवर कर दिए गए हैं ताकि कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटने ना पाए। 700 MCQ कराएगा, 7 वीडियो, 1 वीडियो 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा 1 वीडियो में, ठीक है। तो 7th वीडियो, 7 वीडियो है, सभी को देखना अनिवार्य है, ज़रूरी देखिएगा तभी पूरा कवर हो जाएगा, लगभग 700 MCQ है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। चलिए जो लोग PDF के लिए परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वो जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी PDF मिल जाएगा तुरंत। इसके 1 या 2 घंटे बाद वहाँ पर PDF शेयर हो जाएगा टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है। और जो डोमेन नॉलेज वाले हैं वो लोग परेशान ना होइए, आज पूरा कुछ मैटर और मिला है तो उस रात तक पूरे जो भी 11-12 बजे तक वो आपको ऐड के यहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पे, और उसका PDF भी सेंड कर दिया जाएगा वहाँ पे आपके टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो ये आपका किस तिथि को मनाया गया, ये 4 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये बन गया है पलाऊ देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप अपना और लोग अपना आंसर भी देते रहिए आप लोग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020 को डैश के वर्ष के रूप में नामित किया गया है, किसके वर्ष के रूप में नामित किया है 2020 को, ये किया गया है आपका नर्स एवं मिडवाइफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, पूरा कवर हो जाएगा इसमें लगभग जितने भी 6 मंथ के हैं पिछले, पूरा कवर हो जाएगा इसमें। 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ उद्घाटन किया है, कहाँ पे किए थे आपका, बेंगलुरु में, ठीक, 107वें की बात की जा रही है। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं, कौन बन गए हैं आपके, ये बन गए हैं मुजीब उर रहमान। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी, ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है आपका, उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है, तो क्या है आपका एक ही हेल्पलाइन नंबर, क्या है आपका 139 है। कौन सी राज्य सरकार की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है, डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना कौन बना रही है, तो आपकी है सी, कौन है सी, चलिए आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप, कौन ऐप, मनी ऐप लॉन्च किया, तो कौन लॉन्च किया आपका, ये किया है सी, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मैग्रो आवरण में डैश वृद्धि है, कितना वृद्धि है यदि बात की जाए, तो यह आपका 54 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है आपका, कौन बन गया है डी, केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी 2020 को टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, तो आपकी किस हुई है, किस में, ये हुई जम्मू कश्मीर में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जनवरी 2020 को लॉन्च हुए रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम क्या बना दिया गया है, क्या कर दिया गया है आपका, ये कर दिया गया है जियो मार्ट कर दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि मास्को में आयोजित विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप किसने जीता, तो किसने जीता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, मैग्नस कार्लसन ने, ठीक। चलिए प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, 1 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ
आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आपका गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है, डे नर्म्स के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद अब कहाँ उपलब्ध होंगे, तो कहाँ उपलब्ध होंगे आपका फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, किस किस राज्य में सबसे वनावरण में वृद्धि हुई है, किस में वृद्धि हुई है आपके, कर्नाटक में। ये इम्पोर्टेंट है, वन से पूछा बहुत जाएगा क्योंकि पूछा भी जा रहा है। भारतीय रेलवे ने डैश पर नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है, तो किस पर शुरुआत की है आपकी, एक ये है सी अनाका पल्ले जंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष का जूनियर फ्रीस्टाइल पहलवान नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया आपका, ये किया गया है दीपक पुनिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 27 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया उद्घाटन, ये राहुल गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा, ये कब प्राप्त करेगा, 2026 तक, 2026। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ खोला गया आपका, यूपी में खोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने कहाँ कहाँ में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है यदि बात की जाए, तो गुजरात में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, इस उपग्रह का नाम क्या है, ए तो वेरी 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 जितना कहा जाए उतना कम है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब, GSAT-30 है, क्या है, GSAT-30 है जो लॉन्च किया गया। ठीक है, 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल विहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया यदि कहा जाए बात की जाए, कौन है, संजय गुप्ता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों का शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ में आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया आपका बी ब्रिटेन में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया, ध्यान दीजिए रोजर फेडरर के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है, कौन किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, हरियाणा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ए 7 दिसंबर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ में आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया था आपका मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, मनाया जाता है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। गुजरात में हुए दंगा में राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो किस आयोग का गठन किया गया आपका, ये किया गया नानावटी मेहता आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है आपका 35 का, ए हो जाएगा 11 दिसंबर को। ठीक है, स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसके कौन नियुक्त कर दिए गए हैं, यह है रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश ने विद्वानों की हत्या की याद में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया है, तो किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया है, 14 दिसंबर को। हाल ही के दिनों में फास्टैग की चर्चा समाचार में रहा है, या किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है फास्टैग, ये संबंधित है आपका स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। देखिएगा आपको इसी सब सीरीज में से करंट अफेयर का क्वेश्चन जरूर इसी में से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है,
चलिए आप लोग भी इसको करते रहिए, और जो आंसर है ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना किए हैं, कितना सही है आप लोगों का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका। और आगे का जो माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है, तो माइंड मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई है विश्वनाथन आनंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस तिथि को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका ए 16 दिसंबर को, अभी मनाया गया कुछ देर पहले। ठीक, भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। यह क्या है, यह आपका हो जाएगा एक मिसाइल प्रणाली है पिनाका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो गया। तो ये किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो गया, आपका 26 जनवरी 2020 को। ठीक, हो जाएगा, सॉरी हो गया नहीं, हो जाएगा मतलब कल हो जाएगा। दमन और दीव का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा, आपका 26 जनवरी कल हो जाएगा। इसके बाद 8 हो जाएंगे, ध्यान रहे 9 है ना यहाँ पे आपके केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट है, फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है आपका, ये किया गया है बेल्जियम। नेक्स्ट है आपका कि 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश ने नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, यहाँ पे कौन नियुक्त किए गए हैं आपका, हो जाएगा मैनुअल मेरेरो क्यूर, मैनुअल मोरेरो क्रूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी लिवरपूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ में आयोजित की गई, तो कहाँ पे आयोजित की गई, तो आयोजित की गई आपके भोपाल में। ठीक, 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया जाने के कारण भारत ने विरोध किया था, तो किसके कारण भारत ने विरोध किया था, निशानेबाजी को वहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, हटा दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक की वनडे टीम घोषित की है, इस टीम के कप्तान कौन है, इसके कौन है कप्तान, बहुत अभी हाल ही की चर्चा है, ये हैं आपके 50 का हो जाएगा MS धोनी। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे, सही है इसका आपका हो जाएगा MS धोनी, जिसे 10 सालों में आपका एक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ का BCCI जैसे पूरा है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट बोर्ड है उस दायरे किया था, उसमें कप्तान किसे चुना गया था, तो MS धोनी को चुना गया था। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय क्रिकेट जिन्हें ब्रिटेन क्रिकेट अल्मानैक ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है, कौन है वह, तो कौन है वह आपके विराट कोहली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा आपका सुशासन के दिवस के। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाल ही सरकार ने हाल ही में सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया है, इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो इसमें कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल किया है, यह है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी, तो इसको कौन से किसको अंतिम विदाई दी गई, ये आपका है MiG-27। नेक्स्ट है कि लॉन्ग मार्च फाइव जिसका चीन ने हाल ही में परीक्षण किया, क्या है यह, यह है आपका प्रक्षेपण यान है। ठीक है, सरकार ने हाल ही में गठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी तय की गई है, तय की है तो कितनी तय की है आपकी, ये तय कर दी है 65 वर्ष। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, 29 दिसंबर 2019 को किस फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट है कि 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है। तो यहाँ पे पहले स्थान पे कौन हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच हैं। 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है। ये है आपका किसे, ये बनाए गए हैं बिपिन रावत को। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन वाला जो हिस्सा है जून से लेकर दिसंबर तक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसे भी देख सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट है 61 नंबर है, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के ग्रामीण मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपका कौन बने हैं, 61 का हो जाएगा आप लोगों का आंसर सी, हेमंत सोरेन। कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। ये इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां जरूर पूछा जा सकता है। 28 दिसंबर 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता। तो किसने खिताब जीता यदि बात की जाए, तो हैं कोरेनू हम्पी। कौन है? कोरेनू हम्पी हैं। अब देख लीजिए 29 दिसंबर 2019 को पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित है। तो वह किस देश से संबंधित है आपके, संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक चलिए नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया। अवनगार्ड है, ध्यान दीजिए। तो किस देश ने शामिल किया है अवनगार्ड को, तो ये किया है रूस ने। ठीक चलिए नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है। सबसे प्रसिद्ध किशोरी कौन हो गई है? मलाला यूसुफ जई हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है। तो किसने सुविधा प्रारंभ की है आपकी, एयरटेल ने। किसने? एयरटेल ने। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है। किस राज्य की यदि बात की है, तो महाराष्ट्र ने। ठीक है आपका हो जाएगा 24 दिसंबर 2019 को किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ये बात किया जाए दी तो किसके कहाँ किया गया आपका, उत्तर प्रदेश में। एक एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आ गया है पीछे भी। 26 दिसंबर 2019 को भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है। लिएंडर पेस की बात है, किस देश से संबंधित है, तो है आपके टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया है। यहाँ पे कर दिया अटल टनल कर दिया है। नाम वाला भी एक वीडियो मैंने डाल दिया है, वो अभी नहीं देखे हैं जो लोग, विदा के देख लीजिए चैनल पे, जो नाम बदल कर आ गया है। ठीक है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ, वह थे। कौन थे वह गंगा प्रसाद विमल, या किसे? साहित्यकार। ठीक है हाल ही में चमारा कपुगेदरा ने क्रिकेट के हर प्रारूप में संन्यास ले लिया, प्रारूप संन्यास, वह किस देश से संबंधित हैं। तो वह किस देश से संबंधित हैं, श्रीलंका से। ठीक है हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदल कर दिया है। तो साझा मुद्रा का नाम बदल क्या कर दिया, इको कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। किसे विदेश सचिव नियुक्त किया गया है आपका, एक कर दिया गया है सी, हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। किसे मिला है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसे मिला है, अंधाधुन को मिला है। चलिए नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन क्यूबा के नए नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें कौन नए प्रधानमंत्री बने हैं आपका, आपके बने हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज बने हैं। ठीक चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है। तो डे हर वर्ष कब मनाया जाता है आपका, ये आपको मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है हाल ही में मुंबई
नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नाम पर दिया? बाल ठाकरे के नाम पर दिया गया। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो किसने आरंभ करने की घोषणा की है? देखिए आपका पुर्तगाल ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला है? यदि बात की जाए तो किसे शीर्ष स्थान मिला है आपका? ये मिला है विराट कोहली को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो श्री राम लागू का निधन हुआ, वह थे, वह कौन थे आपके? वो थे ये अभिनेता थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा? तो कितने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 कितने लोगों को? 23 लोगों को। 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला था आपका? यह मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, एकदम लेटेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, 28वें बने हैं, अभी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2019 को जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 112वां मिला है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, 112वां स्थान, ध्यान रहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने की लीजिए घोषित किया गया है? तो किसने कब किया गया? 21 मई को। चलिए नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो ये आपका है डी टोनी एन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट है आपका कि फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो आपका किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? एंजेला मर्केल को, ठीक है, जो कि चांसलर है। इसके बाद है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल इनर्जी कन्वर्जेशन डे वर्ष मनाया गया है, कब मनाया गया है आपका? बात किया यदि कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? सी 9वां स्थान मिला है, ठीक है, 9 नंबर। इसके बाद है टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? किसे चुना है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को, ठीक है। कौन है? ग्रेटा थुनबर्ग को। इन्होंने ही एक मूवमेंट चलाया था कि फ्राइडे करके था, ये इन्वायरमेंट से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 10 दिसंबर 2019 को इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है आपका, किसे नियुक्त किया गया है? सुनील सेट्ठी को, ठीक है, किसे? सुनील सेट्ठी को। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 दिसंबर 2019 को किस शहर को दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? किसे चुना गया है आपका? ये चुना गया है आबू धाबी को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 दिसंबर 2019 को जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो मिला है आपका 129वां मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस डैज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वाडा ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो आपका किस पर लगाया है? रूस पर लगाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 9 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता? किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता? तो जोजी बिनी टुंजी ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है आपका कि 97 नंबर है कि 8 दिसंबर 2019 को कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो कौन बनी है अभी हाल ही में? सना मारिन फिनलैंड की बनी है। कौन है? सना मारिन फिनलैंड की। 7 दिसंबर 2019 को भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड किस संस्करण का प्रारंभ हुआ? तो किस संस्करण का प्रारंभ हुआ यहाँ पे? आपका हो जाएगा 8वें संस्करण का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा, हैंड इन हैंड किसके बीच होता है यदि बात की जाए तो भारत और चीन के, और 2019 का कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2019 को कौन पुरुषों की इंटरनेशनल वर्ल्ड डे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है? तो कौन बनी है आपकी?
ये बन गई हैं जीएस लक्ष्मी। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, 100 नंबर। और लास्ट है कि 7 दिसंबर 2019 को किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का दैनिक काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये आपको किसको मिला है? ये मिला है प्रियंका चोपड़ा को मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, लगभग 700 एमसीक्यू पूरा कराया जाएगा, पिछले 6 महीनों का पूरा ही कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा, एक गारंटी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको ज़रूर बनाए रखिए, इसी पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए यदि बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम में नीचे लिंक है उसे जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी PDF हो तो वहाँ पर सेंड किया जा रहा है, तुरंत आपको मिल जाए, डोमेन नॉलेज वाले ना परेशान हो और इंग्लिश वाले भी ना परेशान हो, आज रात तक आराम से उसके लिए कुछ PDF का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।